अलंकार। अलंकार किसे कहते हैं? कहते हैं काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते। यह उक्ति दंडी की है। तात्पर्य है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। शोभा कारक पदार्थ को अलंकार कहते हैं। जिस प्रकार लौकिक व्यवहार में सुवर्ण और रत्न निर्मित आभूषण शरीर को अलंकृत करने के कारण अलंकार कहे जाते हैं, उसी प्रकार काव्य को शब्द और अर्थ की चमत्कारक रचना द्वारा जो अलंकृत करते हैं, उनको साहित्य शास्त्र में अलंकार कहते हैं। शब्द रचना के वैचित्र्य द्वारा काव्य को शोभित करने वाले अलंकारों को शब्दालंकार और अर्थ वैचित्र्य रचना द्वारा काव्य को सुशोभित करने वाले अलंकारों को अर्थालंकार कहते हैं। अब अलंकार दो प्रकार के हुए, शब्दालंकार और अर्थालंकार। सर्वप्रथम अनुप्रास अलंकार को देखते हैं। साहित्य दर्पण में आचार्य विश्वनाथ ने इसका लक्षण करते हुए कहा, अनुप्रास शब्द साम्यम वैषम्येपि स्वरस्य यत्। स्वर में विभिन्नता होने पर भी व्यंजन वर्णों में सादृश्य का नाम अनुप्रास अलंकार है। रस के अनुकूल प्रकृष्ट न्यास होने के कारण इसे अनुप्रास कहते हैं। जैसे यह पद्य देखें, लता कुंजम गुंजन मद वदलिपुंजम चपलयन समालिंगन नंगम द्रुततरम अनंगम प्रवलयन मरुन मंदम मंदम दलितम अरविंदम तरलयन रजो वृंदम विंदन किरति मकरंदम दिशि दिशि। यह पद्य साहित्य दर्पण के 8वें अध्याय में प्राप्त होता है। लता के कुंज को गुंजारित करता हुआ, मत्त भ्रमरों को चपल बनाता हुआ, अंगों से आलिंगन करता हुआ, कामदेव को प्रबल बनाता हुआ, विकसित कमलों को चंचल बनाता हुआ, रजो वृंद को ग्रहण करता हुआ, मंद मंद बहने वाला यह पवन पुष्प रस को चारों दिशाओं में बिखेर रहा है। इस प्रकार अनुप्रास अलंकार में स्वर वर्णों की असमानता रहने पर भी केवल व्यंजन वर्णों की समानता रहती है। और यमक अलंकार का लक्षण है कि स्वर व्यंजन समुदाय की क्रमशः आवृत्ति को यमक अलंकार कहते हैं। सत्यर्थे पृथगर्थाया स्वर व्यंजन संहते क्रमेण तेनैव वृत्ति यमकम विनिगद्यते। यह लक्षण भी विश्वनाथ द्वारा ही किया गया है। यहाँ आवृत्त पदों में अर्थभेद होना चाहिए। यदि एक सार्थक और दूसरा निरर्थक हो तो भी यमक होता है। जिस समुदाय की आवृत्ति की गई है वह यदि अर्थहीन भी हो तो कोई आपत्ति नहीं, किंतु उसके सार्थक होने पर आवृत्त समुदाय को भिन्नार्थक होना ही चाहिए। यमक में कहीं दोनों वर्ण समुदाय सार्थक होते हैं और कहीं निरर्थक, कहीं एक सार्थक होता है दूसरा निरर्थक, इसलिए लक्षण में सत्यर्थ शब्द कहा गया है। और तेने क्रमेण कहने से दमो मोद इत्यादिकों से यमक का विषय भिन्न है, क्योंकि यहाँ स्वर और व्यंजन तो समान है किंतु क्रम बदल गया है। इसका उदाहरण देखें, नव पलाश पलाश वनम पुरह स्फुट पराग परागत पंकजम मृदुलतांत लतांतमलोकयत ससुरभिम सुरभिम सुमनोभरैः। यह पद्य माघ के शिशुपाल वध में प्राप्त होता है और यमक का उदाहरण है।